नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण का सीरीज हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी व्याकरण का ये कोर्स चल रहा है। तो इसमें अब तक 3 वीडियो हो चुके हैं जिसमें हमने वर्णमाला समझा था पहले वीडियो में, दूसरे में शब्दों के बारे में देखा था, तीसरे में हमने देखा था संज्ञा और संज्ञा से जुड़े जो विकार होते हैं जैसे कि लिंग, वचन और कारक, हमने वो देखा था। आज हम देखने वाले हैं सर्वनाम देखेंगे पहले सेगमेंट में, उसके बाद से हम विशेषण देखेंगे और अगर समय बचता है तो फिर क्रिया भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर्वनाम के बारे में एक चीज सबको पता होगा डेफिनेशन में कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसी डिफिनेशन में, इसी परिभाषा में एक शब्द और जोड़ना है, वो आपके इस परिभाषा को थोड़ा और स्तरीय बना देगा। वो शब्द होगा विकारी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यह हमें पता है। यहां हमें सिर्फ विकारी शब्द जोड़ के परिभाषा एक नई बनानी है, वो परिभाषा होगी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जब हमने शब्दों के बारे में पढ़ा था शब्द विचार में, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सेकंड वीडियो था हिंदी व्याकरण का। तो विकारी शब्द क्या होते हैं मैं बता देता हूं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार उत्पन्न हो जाए, जिसका बदलाव हो जाए, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, सर्वनाम में हमें सर्वनाम के बारे में पढ़ना है तो सर्वनाम के भेद क्या होते हैं ये देखेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जनरली 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब आइए एक एक करके सबको देखते हैं। ये जो ऐसे मैंने बनाया है डायग्राम के तरीके से, इससे आपको हेरेकियल फॉर्म होता है, इससे आपको देख के याद हो जाएगा और इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल शॉर्ट में आपके पास नोट्स तैयार रहेंगे, आपको और कहीं नोट्स के लिए भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद और होते हैं, अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और उत्तम पुरुषवाचक। इसमें क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक, एक एक करके हम इन तीनों को देख लेंगे तो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कवर हो जाएगा। तो देखिए, अन्य पुरुषवाचक शब्द, देखिए 3 पुरुष होते हैं, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है कर्ता स्वयं, जैसे कि मैं, हम, हमारा, ये जो शब्द आते हैं सर्वनाम, इनको हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक में से मतलब यह है कि हम जिससे बात करते हैं, अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो आप क्या होंगे, आप होंगे मध्यम पुरुषवाचक। तुम, आप और तुम्हें, तुझे, ये जो शब्द होते हैं ये आते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। मैं और आप मिलकर अगर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करें तो मैं उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष और जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो गया अन्य पुरुष। तो यहां अन्य पुरुष में वह, उसका, यह आदि ऐसे होते हैं। जैसे वह खेल रहा है तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वह खेल रहा है, तो मैं आ गया तो उत्तम पुरुष, वह आ गया तो अन्य पुरुष और आप हैं मध्यम पुरुष। तो इस तरीके से पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और उत्तम पुरुषवाचक। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम यहां पे वे शब्द होते हैं जो किसी निश्चित वस्तु की तरफ इशारा करते हो, किसी निश्चित वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह निश्चित व्यक्ति होगा, उदाहरण के लिए यह या वह खेल रहा है। अगर मैं कह रहा हूं वह खेल रहा है तो इसका मतलब यह होता है कि यह निश्चित है कि कौन खेल रहा है, मैं उसको जानता हूं, निश्चित है कि वह खेल रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं तो वहां कोई ऐसा व्यक्ति खेल रहा है जिसके बारे में आपको पता है। तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहां पर अनिश्चित वस्तु, ऐसे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित वस्तु को परिभाषित करते हो, अनिश्चित वस्तु के बारे में जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं वो हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए कोई, कुछ आदि, कोई खेल रहा है एक शब्द है, ये लीजिए एक वाक्य लेते हैं, कोई खेल रहा है, कोई खेल रहा है। यहां कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि कोई से किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, कौन खेल रहा है ये नहीं पता चल रहा है। कोई खेल रहा है वो कोई भी होगा, वो निश्चित नहीं है कि राम है कि श्याम है कि रमेश है महेश है, ये कोई निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। कोई, कुछ, कुछ पढ़ रहा है,
मतलब वो कुछ भी पढ़ रहा है, ये नहीं पता है क्या पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, समीक्षा अधिकारी के लिए पढ़ रहा है, पुलिस के लिए पढ़ रहा है, कोई निश्चित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से, परिभाषा सुनिए, जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्यों में आपसी संबंध का पता चलता हो उसे हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। आप वाक्यों में आपसी संबंध का पता चलता हो, उदाहरण के लिए एक यहां पे वाक्य लिखा है, जो करेगा वो भरेगा। यहां पर जो करेगा वो भरेगा, यानी कि जो काम अगर कुछ आप करते हैं तो उसका फल आपको मिलेगा, तो जो करेगा वो भरेगा, यहाँ पे आपसी संबंध इस वाक्य में दिखाई देता है। या फिर ऐसे देख लीजिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहां पर ये जो है वाक्य मैंने लिखा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये संबंधवाचक है। कैसे है देखिए, जिसकी और उसकी, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, यहां पर लाठी और भैंस का संबंध जिसकी और उसकी द्वारा दिखाया जा रहा है। लाठी और भैंस का संबंध जिसकी और उसकी, ये दो शब्द हैं, इनके द्वारा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे जब संबंध स्थापित हो रहा है, संबंध दिखाया जा रहा है, तो उन सर्वनाम शब्दों को हम बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। फिर हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से प्रश्न किया जाए वो सर्वनाम, बिल्कुल नाम से क्लियर हो जाएगा कि कौन से, देखिए नाम से, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष का बोध होगा, किसी एक पुरुष का बोध होगा, चाहे उत्तम पुरुष हो, वन्य पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो। निश्चयवाचक, किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु का बोध होगा। अनिश्चयवाचक, किसी अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वाक्य के एक भाग के दूसरे भाग का संबंध स्थापित हो उससे संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से प्रश्न किया जाए, उदाहरण के लिए विद्यालय कौन जा रहा है, विद्यालय कौन जा रहा है, यहाँ पे कौन क्या है, ये प्रश्न कर रहा है और ये एक सर्वनाम है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। वह कौन खेल रहा है, तो कौन अगर आता है, कौन खेल रहा है पता नहीं है, निश्चित नहीं है, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है कि कौन खेल रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। वैसे ही आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम समझिए, वाक्य के कर्ता के लिए प्रयोग किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता हो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए प्रयोग किया जाता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण यहाँ पे लिखा है, वह अपना काम अपने आप करता है, वह अपना काम अपने आप करता है। यहाँ पे जो करता है वह अपना काम अपने आप करता है, तो यहाँ पे जो आप शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम है, इसलिए निजवाचक है। क्यों है, वह अपना काम, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वह अपना काम अपने आप करता है, यहाँ पे निजता का बोध हो रहा है, निजत्व का बोध हो रहा है, और यह वाक्य के कर्ता के लिए ही आपका प्रयोग हुआ है, आपका प्रयोग वह के लिए हुआ है, और वह क्या है, वाक्य में कर्ता है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य के कर्ता के लिए प्रयोग होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में हमने पढ़ा, 6 भेद होते हैं, सब हमने एक एक करके देखा, उदाहरण सभी सहित देखा। आप एक बार पढ़िए सर्वनाम, और अब हम देखेंगे विशेषण किसे कहते हैं, और अगर टाइम बचा तो हम क्रिया के बारे में भी देखेंगे। तो हमने सर्वनाम देखा, आइए अब विशेषण के बारे में जानते हैं। देखिए विशेषण की परिभाषा समझ लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, आप सबको याद होगा, कक्षा 6 से 5 से पढ़ते आते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं विशेषण। अब यहाँ पे विशेषता का क्या अर्थ है, विशेषता के कई अर्थ हो सकते हैं। विशेषता को जैसे कि आप बात करें गुण की, तो गुण भी एक प्रकार की विशेषता है, दोष भी एक प्रकार की विशेषता है, साथ ही साथ परिमाण की बात अगर होती है, कि क्वांटिटी की बात होती है, मैग्नीट्यूड की अगर बात होती है कि परिमाण क्या है, तो वो भी यहाँ पे विशेषता होता है। अब देखिए विशेषण अगर हम पढ़ रहे हैं तो विशेषण के क्या भेद होते हैं ये देख ले। जनरली 4 भेद होते हैं, पहला है गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। देखिए गुणवाचक विशेषण, देखिए जैसे कि अभी हमने सर्वनाम में देखा वैसे ही विशेषण को समझिए। अगर आपको विशेषण के नाम याद है, जो उसके भेद है उनके अगर नाम आपको याद है, तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नाम ही उसकी परिभाषा बता देते हैं। गुणवाचक विशेषण, तो ऐसे विशेषण, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम कहते हैं विशेषण, जो गुणों के बारे में बताएं उनको हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण।
यहां पे गुणवाचक का मतलब सिर्फ गुण से नहीं है, गुण दोष रंग आकार समय स्थान या काल, इनमें से अगर किसी भी चीज के बारे में वे शब्द बता रहे हैं तो वे गुणवाचक विशेषण होंगे। रट लीजिए, गुण दोष रंग आकार समय स्थान और काल की विशेषता के लिए अगर प्रयोग शब्द हैं तो उनको गुणवाचक विशेषण कहेंगे। उदाहरण के लिए काला मोटा, मोटा गुण है कि दोष है, छोड़िए, काला मोटा पतला अच्छा बुरा आदि, ठीक है, ठीक है, काला मोटा पतला अच्छा बुरा आदि, ये जितने शब्द लिखे हैं ये गुणवाचक विशेषण है, ये गुण बता रहा है। जैसे ये रंग बता रहा है, ये दशा बता रहा है, ये भी दशा है, अच्छा क्या है गुण बता रहा है, बुरा गुण तो होगा नहीं, बुरा दोष ही होगा, तो इन शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आते हैं परिमाण पे, ऐसे शब्द जो किसी चीज की परिमाण बताते हो, मैग्नीट्यूड बताते हो। अब इसमें दो तरीके का होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। वैसे ही संख्यावाचक में भी निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित का मतलब होता है कि क्या परिमाण है ये निश्चित होना चाहिए, जैसे कि हमने अभी उसमें सर्वनाम में देखा था, तो यहाँ पे निश्चित होगा। उदाहरण के लिए निश्चित के एक उदाहरण है 10 किलो 20 किलो 30 किलो, ये परिमाण बता रहा है कि 10 किलो आटा 20 किलो चावल, तो यहाँ पे चावल का परिमाण है तो निश्चित है कि 10 किलो है या 20 किलो है। ठीक उसी प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे अनिश्चित नहीं है, थोड़ा चावल थोड़ा गेहूं थोड़ा आटा बहुत आटा, तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा बहुत इतना जितना, तो ये सारी चीजें आती हैं अनिश्चित परिमाणवाचक में, हालांकि परिमाणवाचक में ही आएंगी। फिर बात करें संख्यावाचक की, तो ऐसे विशेषण शब्द जो संख्या के बारे में बताएं, संख्या की विशेषता टाइप की बताएं, तो देखिए इसमें भी निश्चित और अनिश्चित होगा। जैसे दो और तीन, दो संख्या है, तीन संख्या है, चार संख्या है, पांच संख्या है, तो दो निश्चित हो गया ना कि दो ही है, तीन तो निश्चित है तीन है, चार पांच निश्चित हो गया। अनिश्चित में आ गया काफी, काफी नहीं बता सकते ना कि एक है दो है चार है बीस है पचास है लाख है करोड़ है, नहीं बता सकते। बहुत, बहुत कैसे पता करेंगे आप, बहुत में तो कुछ नहीं बता सकते हैं, अनिश्चित है। ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। फिर आते हैं सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण समझते हैं। ये सारे तो नाम से क्लियर है, सार्वनामिक भी नाम से ही क्लियर है। जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। ये जो होंगे सर्वनाम होंगे, ये विशेषण नहीं होंगे। जैसे काला पतला मोटा बुरा अच्छा नीला पीला, ये सारे विशेषण है ना, लेकिन यहां सार्वनामिक विशेषण में एक्चुअल में वो शब्द जो होंगे वो होंगे सर्वनाम, लेकिन सर्वनाम होते हुए भी वे संज्ञा के पहले आएंगे और विशेषण का कार्य करेंगे। ठीक है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले आकर विशेषण का कार्य करते हो उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए ये एक शब्द है, यह खिलाड़ी, ये जो वाक्य है यह खिलाड़ी, तो इसमें देखिए खिलाड़ी जो है क्या है, संज्ञा है, और यह बता रहा है यह खिलाड़ी अच्छा है। अगर हम बात करें तो अच्छा अपने आप में विशेषण है, यहां पर यह का भी प्रयोग हम उसी प्रकार कर रहे हैं। तो यह अगर हम ऐसा लिखें, ऐसा वैसा जैसा, तो ये सारे शब्द आएंगे सार्वनामिक विशेषण में, ऐसा वैसा जैसा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अगर बात आती है तो वहां पे सार्वनामिक विशेषण को हम समझेंगे कि वो सार्वनामिक विशेषण है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने संज्ञा देखा, सॉरी सर्वनाम देखा और विशेषण देखा। ये चौथा वीडियो है, बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को। समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पुलिस वालों जाग जाओ और इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। समीक्षा उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस 75 नंबर का है हिंदी का पेपर, हिंदी ग्रामर से 75 नंबर का आएगा पेपर। अगर आप 75 में 70 सही कर देते हैं तो सोचिए आप कहां जाएंगे। शरीर बनाने से कोई मतलब नहीं है, जब तक कि आप रिटेन क्वालिफाई नहीं करेंगे आपको दौड़ में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। फिजिकल क्वालिफाई, फिजिकल के लिए आप तभी क्वालिफाई होंगे जब आप रिटर्न निकालेंगे, और रिटर्न में माइनस मार्किंग है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। और हमने वर्ण विचार देखा, शब्द विचार देखा, शब्दों के बारे में पढ़ा, विकारी शब्द अविकारी शब्द, ये सारी चीजें देखे हमने। फिर हमने सर्वनाम देखा, संज्ञा देखा, एक एक करके सारे उसके पार्ट देखे, भेद देखे, उदाहरण देखे, विशेषण देख लिया आज। अब अगले वीडियो में हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद से हम संधि समास अलंकार सब कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं।
तो ध्यान से पढ़िए। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, शेयर करके फेसबुक से शेयर कीजिए, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, जहां से करना है चैनल को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को पहुंचाइए ताकि ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छे से पढ़िए।